नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप गूगल फॉर्म के थ्रू डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को किस प्रकार से टेस्ट ले सकते हैं। अपने स्टूडेंट को आप गूगल फॉर्म के थ्रू बड़े बड़े क्वेश्चन जिसको सॉल्व करना पड़े, ऐसे क्वेश्चनों का टेस्ट आप ऑनलाइन कैसे ले सकते हो, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप सबसे पहले जाइए अपने गूगल क्रोम पर। गूगल क्रोम में जाने के बाद आप यहाँ पे टाइप करेंगे गूगल फॉर्म्स। ये देखिए आ गया गूगल फॉर्म, इसको आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे लिखा गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्वे, इसके ऊपर जाएंगे आप। इसके बाद यहाँ लिखा गो टू गूगल फॉर्म, इसको क्लिक करेंगे। इस समय आप गूगल फॉर्म के ऊपर आ चुके हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि इसको आप डेस्कटॉप व्यू में चेंज कर लीजिए। आप राइट हैंड टॉप के ऊपर थ्री डॉट देख रहे हैं, उस थ्री डॉट को क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक बॉक्स बना आ रहा है, लिखा डेस्कटॉप व्यू, डेस्कटॉप साइट, आप उसको क्लिक कर देंगे तो अब ये आपका मोबाइल है डेस्कटॉप की तरह वर्क करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने को क्या करना है, सबसे पहले जाना है ऊपर और यहाँ पर देखिए लिखा है टेम्पलेट गैलरी, आप उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी गैलरी आ जाएगी जिस भी फॉर्म में आपको पेपर बनाना है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ देखिए एजुकेशन और ब्लैंक फाइल लिखिए, आप इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप आ चुके हैं अपने पहले फॉर्म के ऊपर। यहाँ से आप अपना पेपर बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ब्लैंक क्यूज लिखा है आप उसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप टाइटल डाल सकते हैं, जो ये डाल दिया। नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या देना है, आप यहाँ क्लास डाल सकते हो कि किस क्लास के लिए आप ये पेपर बना रहे हैं। सब्जेक्ट भी लिखना चाहते हैं, यहाँ आप सब्जेक्ट भी लिख सकते हो। जैसे मैंने ब्रैकेट लगा के लिख दिया मैथ, ये मैंने मैथ लिख दिया और तो आपका ये बन गया यहाँ पर फर्स्ट। अब दूसरा क्या है कि आप यहाँ लिखा अनटाइटल्ड क्वेश्चन, इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ लिख सकते हैं आप नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट में अपना नाम डालेगा, लेकिन नाम एक ही होता है, यानी कि आप यहाँ जाएंगे और ये लिखा ना शार्ट आंसर, तो इसको शार्ट आंसर ही रहने देंगे क्योंकि नाम एक ही होता है। बच्चा यहाँ पे अपना नाम डाल देगा। ओके, इसके आपको कोई पॉइंट्स नहीं देना, मतलब कोई नंबर इसके नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे इसके बाद दूसरे पे, दूसरा फॉर्म लेके आएंगे। ये आपका दूसरा फॉर्म आ गया, यहाँ पे आप लिखेंगे क्लास, फिर से आप जाएंगे यहाँ पर और ये भी मल्टीपल चॉइस दिख रहा है, आप मल्टीपल चॉइस को हटा के क्या डाल देंगे आप शॉर्ट आंसर, ये शॉर्ट आंसर हो गए क्योंकि यहाँ पर भी उसको सिंगल आंसर देना है इसलिए। और आप यहाँ जाके ये जो लिखा है रिक्वायर्ड, आप रिक्वायर्ड को क्लिक कर दीजिए, मतलब इस ये आंसर हमको जरूर चाहिए। इसी टाइप से ऊपर वाला जो क्वेश्चन हमने डाला था जिसको हम नेम ऑफ द स्टूडेंट के, इसको भी हम क्लिक करके यहाँ पर भी आप रिक्वायर्ड कर दीजिए ताकि हमको ये क्वेश्चन भी जरूर से जरूर चाहिए, बच्चों को जरूर लिखना पड़ेगा ये दोनों रिक्वायर्ड हो गए। ठीक है, दो क्वेश्चन हमारे पास हो गए, मतलब दो फील्ड हमने लिख दी। अब हमको ये देखना है कि हमारी क्लास, जैसे मान लो टेंथ है और बच्चा टेंथ डालता है, उसमें एक से ज़्यादा सेक्शन भी हो सकते हैं, तो आप सेक्शन के लिए भी जाइए। अब फिर से एक फॉर्म लीजिए यहाँ से और यहाँ पे दीजिए सेक्शन। देखिए हमने सेक्शन लिखा, अब सेक्शन में आपको एक से ज़्यादा सेक्शन होंगे तो आप यहाँ पर जाएंगे जहाँ पर अभी शॉर्ट आंसर लिखा, इसको क्लिक करेंगे तो इतने सारे ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। आप इसमें जैसे देखिए ड्रॉप डाउन जहाँ पर लिखा है उसको क्लिक कर देंगे, जैसे ड्रॉप डाउन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आने लगेंगे आपके पास। ऑप्शन यहाँ लिख देंगे आप ए, देंगे बी, तीसरे में आप लिख देंगे सी, चौथे में लिख देंगे आप डी। इससे ज़्यादा भी आपके पास आपके स्कूल में सेक्शन है तो आप उससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हम इसको भी यहाँ जाके आप रिक्वायर्ड वाला जो ऑप्शन है उसको आप क्लिक कर देंगे। इस तरह से आपने अभी तक तीन फील्ड बना लिए। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि ये पेज यहाँ पे एंड हो जाए और दूसरा पेज यहाँ से शुरू हो, तो आप क्या करेंगे कि ये जो सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे, इस पे जाएंगे तो यहाँ पे पेज ब्रेक हो जाएगा, मतलब अगला पेज यहाँ से शुरू हो जाएगा। देखिए ये दूसरा पेज शुरू हो गया, यहाँ लिखा है अनटाइटल्ड क्वेश्चन। अब यहाँ चाहे तो आप कुछ लिख सकते हैं, जैसे सपोज़ करें मैंने लिखा ऑल, ठीक है, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। ओके, अब मुझे यहाँ पे आगे क्वेश्चन ऐड करना है तो फिर यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये ऐड वाला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, मैं ऐड वाले ऑप्शन पे जाऊँगा तो मेरे पास अगला क्वेश्चन के लिए आपके पास फॉर्मेट आ गया है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखना है, मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर वन। जैसे मैंने लिखा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पाई, अब ये एक क्वेश्चन कौन सा है, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन, अपन इसको बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ जाएंगे, ये लिखा मल्टीपल चॉइस ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में लिखेंगे जो भी उसकी वैल्यू होगी हमारी तरफ से 3.147, ये हमने
सारी वैल्यूज में लिख दी। अगर आप चाहते हो कि इसका आंसर भी हमको पता हो और साथ में काफ़ी चेक हो जाए तो आप यहाँ पे आंसर भी डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें, आप पूरे तरीके से क्वेश्चन अलग अलग टाइप के डाल रहे हो, कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी डालोगे तो उसके आंसर आप फीड करना आपके लिए प्रॉब्लम में जाएगा, इसलिए आप इसको फीड ना करें तो बेहतर है। और करना हो तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। यहाँ देखिए आंसर की लिखा है, आप आंसर की पे जाइए। जैसे ही आप आंसर की पे जाओगे तो यहाँ ऊपर आएगा पॉइंट्स, यानी कितने नंबर का आप क्वेश्चन देना चाहते हो। तो आपने दिख दिया 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इसमें से एक आंसर सेलेक्ट करना पड़ेगा जो करेक्ट है। तो आपको मालूम है इसका जो सही आंसर होता है वो कौन सा होता है, 3.14, यानी फर्स्ट वाला। आपने फर्स्ट वाले को सेलेक्ट कर लिया और आप यहाँ जाके डन वाले ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए, ठीक है। ये होगा फर्स्ट क्वेश्चन। ये इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, ओके। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। हमने सेकंड क्वेश्चन, यानी फिर से हम प्लस के साइन पे जाएंगे, ये हमारा सेकंड फाइल आ गई। फिर से हम क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर टू। अब आप चाहते हैं कि मुझे लिखना ना पड़े बल्कि मैं बोल के काम चला लूँ, तो मैं एक क्वेश्चन बोल के आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा, मेरे मोबाइल में देखिए ये माइक का ऑप्शन है, माइक के ऑप्शन को ओपन करूँगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम टू पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। देखिए जितना मैंने बोला है वो सारा का सारा इसने लिख दिया यहाँ पे, अब आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आप चाहते हैं इस क्वेश्चन को बच्चा जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दे, यानी लिख कर बताया पूरा कि किस तरह से उसने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे मल्टीपल चॉइस की जगह जो मल्टीपल चॉइस है फ़िलहाल अभी, आप उसको क्लिक करके और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो है यानी कि पैराग्राफ राइटिंग वाले में चले जाइए। आपने इसको बना दिया है पैराग्राफ राइटिंग वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब पैराग्राफ राइटिंग वाला क्वेश्चन तो बना दिया, लेकिन अब बच्चे इसके ऊपर सॉल्व कैसे करेगा? तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि बच्चा अपनी कापी में लिखे, उसकी फ़ोटो खींचे और वो आपको यहाँ पे सेंड कर दे। तो वो कैसे होगा, चलिए वो बता देता हूँ आपको। आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे जो आप पैराग्राफ लिखा उसी पे जाइए और आप जाइए यहाँ पे फाइल अपलोड, ये जो लिखा फाइल अपलोड इसको क्लिक करेंगे तो फाइल अपलोड वाले फॉर्मेट में आप चले गए। यहाँ पर कंटिन्यू का बटन आ रहा है तो कंटिन्यू कर दीजिए। जैसे आपने कंटिन्यू करा तो यहाँ से आपसे वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पे लिखा फर्स्ट वाला कि अलाउ ओनली स्पेसिफाई फाइल टाइप, यानी जिस टाइप में आप उसे चाहते हैं फाइल लेना उसी टाइप में आप मंगवाना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक कर दीजिए। यह मैंने क्लिक कर दिया। अब कौन सी फाइल आपको चाहिए, किस फॉर्मेट में आपको उसका आंसर चाहिए, तो आप या तो PDF फॉर्म में मंगाएंगे या फिर इमेज फॉर्म में मंगाएंगे, तो आप दोनों को ही कर दीजिए। हो सकता है बच्चा एट ए टाइम फॉर्मेट ना बदल पाए, यानी कि इमेज को PDF में नहीं बदल पाए, तो इमेज फॉर्म में भेज सकता है और PDF फॉर्म में भेज सकता है। अब आप एक क्वेश्चन को कितने पेजों में लेना चाहते हैं, यानी हो सकता है आपने बड़ा क्वेश्चन दिया तो एक से ज़्यादा पेज लग रहा हो उसको, तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस लिखा है उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ आ रहा है 1, 5, 10। तो मैक्सिमम 5 से ज़्यादा तो होंगे नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं होता है। तो अगर आपका आपको लगता है ये एक पेज का आंसर है तो आप एक पेज कर दीजिए, आपको लगता है एक पेज से ज़्यादा लगेंगे तो आप इसको सेकंड वाले ने 5 पे कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें लिखा मिनिमम फाइल साइज, कितने MB की फाइल हो सकती है, तो आप यहाँ पे 10 ही रहने दीजिए, क्योंकि अगर वो दो फाइल भी डालेगा तो 10 से नीचे ही आएगी, 10 से ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि उसमें ज़्यादा जाएगा तो आप 10 से ज़्यादा कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसमें आ जाएगा 10, 100, 1 GB, वो सारा आ जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उसको 10 ही रहने दीजिए, ओके। इस तरह से आपने पूरा क्वेश्चन तैयार कर लिया ये वाला। अब यहाँ पे आपको ये आंसर की पे नहीं जाना है, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसमें आंसर की पे आपको नहीं जाना है, ओके। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब हम चलते हैं थर्ड पे। फिर से हम प्लस वाले ऑप्शन पर जाएंगे और थर्ड वाला क्वेश्चन आ गया। देखो फर्स्ट कंप्लीट हो गया, थर्ड वाला क्वेश्चन आ गया। अब थर्ड वाले क्वेश्चन पे आपने क्या करा, फर्स्ट में टाइप कर लिया, सेकंड वाले में लिख लिया। अब थर्ड वाले के लिए क्या करता हूँ मैं, जो मेरे पास ऑलरेडी पहले से बने हुए क्वेश्चन पेपर है वर्ड फाइल, उसमें से एक क्वेश्चन कॉपी करके यहाँ डाल लेता हूँ। तो चलिए इसमें कॉपी करते हैं हम लोग। इसके लिए मैं अपने फाइल मैनेजर में जाऊँगा, उसमें डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करूँगा और मेरे पास कोई भी जो फाइल पड़ी होगी उस फाइल को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे मेरे पास ये एक पेपर पड़ा हुआ है, कर लेता हूँ यहाँ से, ये देखिए, ये होगा कॉपी। अब यहाँ पे कॉपी वाले ऑप्शन पे जाऊँगा और ये देखिए कॉपी वाला ऑप्शन, इसको मैंने क्लिक करा, ये कॉपी हो चुका है। अब मैं वापस अपने क्वेश्चन पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं लॉन्ग प्रेस करूँगा, ये पेस्ट हो गया, ये मैंने क्वेश्चन कॉपी कर लिया है, ठीक है। अब इसको आप किस टाइप से रखना चाहते हैं, आप इसे
डिस्क्रिप्टिव रखना चाहते हैं या आप इसको चूज़ द करेक्ट पे रखना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। चलिए मैं इसको वन वर्ड आंसर यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर में रखना चाहता हूँ। तो सबसे ऊपर जाइए, शॉर्ट आंसर लिखा है, आप शॉर्ट आंसर को क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट आंसर को क्लिक कर दिया है। यहाँ पे इतनी सी उसने जगह दे दी आपको शॉर्ट आंसर के लिए। ओके, आप चाहते हैं क्योंकि ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसका आंसर भी दे सकते हैं अगर आपको देना चाहे तो, अदरवाइज़ छोड़ भी सकते हैं। अगर आंसर देना हो तो आप फिर यहाँ से जाएंगे, क्लिक करेंगे आंसर की पे, यहाँ देखिए पॉइंट्स लिखा गया वन, आप वन पे कर देंगे। इसके बाद आपको इसका आंसर देना पड़ेगा, तो आप आंसर ऐड करेंगे, ऐड आंसर फीडबैक। तो यहाँ पे ऐड आंसर पे जाएंगे, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर लिखना पड़ेगा कि उसका करेक्ट आंसर क्या है। पॉलिनोमियल विच वन टर्म इज कॉल्ड, जिसमें एक ही टर्म होती है, इससे पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं, तो मोनोमियल बोलते हैं, तो हम यहाँ मोनोमियल लिख देंगे। यहाँ पे एक बॉक्स लिखा और उसमें लिखा मार्क्स ऑल अदर आंसर इनकरेक्ट, तो आप इसको टिक कर दीजिए। तो जितने भी बाकी को आंसर देंगे बच्चे, वो सारे इनकरेक्ट रहेंगे, यही बस करेक्ट रहेगा। फिर इधर जाएंगे और यहाँ पे डन का ऑप्शन है, आप डन कर दीजिए इसे। अभी तक आपने 3 क्वेश्चन बना दिए, लास्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। फिर से आप जाएंगे किस में, प्लस वाले साइन में, प्लस के साइन को क्लिक करेंगे, फिर से एक नया क्वेश्चन आ गए। अब आप चाहते हैं कि आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन है जो इसके फॉर्मेट को सूट नहीं करता, मतलब स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, सिंबॉलिक वाला क्वेश्चन है, इस टाइप के सिंबॉलिक वाले क्वेश्चन आपके इधर नहीं आते, तो आप पहले से ही क्या करें, एक क्वेश्चन की इमेज खींच लें, जो भी आपको सिंबॉलिक क्वेश्चन है, कुछ टाइप का भी क्वेश्चन है, उसकी पहले आप इमेज खींच के अपने पास रखें। लिखा क्वेश्चन नंबर 4 है ये, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 में आप यहाँ जाएंगे, यहाँ पे एक आपको ऑप्शन आ रहा है इमेज का, तो इस इमेज के ऑप्शन को आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इमेज की उसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ब्राउज आ जाता है, आप ब्राउज कर सकते हैं, यानी आपके मोबाइल में जो भी रखा है, जहाँ पर भी रखा है, आप वहाँ पे जा सकते हो। जैसे मैं फाइल्स पे जाऊँगा, ठीक है, ये मेरे पास एक क्वेश्चन रखा हुआ है, मैं इस क्वेश्चन को क्लिक करूँगा। ये देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, व्हाट विदाउट यूजिंग टेबल एवल्यूट द वैल्यू ऑफ साइन 15/cos 50, ये पूरा क्वेश्चन आ चुका है आपके पास। इस क्वेश्चन को बच्चे सॉल्व करेंगे, लेकिन बच्चे सॉल्व करेंगे तो आपको देखना भी है कि उसने किस तरह से सॉल्व किया, तो आपको उसका क्वेश्चन, उसका आंसर भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ही चाहिए। इसका मतलब आपको यहाँ पे जो आंसर चाहिए वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में चाहिए, तो आप यहाँ जाएंगे फिर से मल्टीपल वाले में, ये मल्टीपल वाले में गए, इसके बाद ये अपलोड फाइल है इसमें गए। आप यहाँ पे देखिए लिखा अलाउ ओनली स्पेसिफाइड फाइल टाइप, तो यस, इसको यस करेंगे आप, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। आप पीडीएफ फॉर्म या फिर इमेज फॉर्म में लेना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके जो पेजेस हैं वो 5 पेजेस हो सकते हैं और 10 MB का ये हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको यहाँ आपका 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। ओके, ये आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो। आप देखना चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन किस प्रकार से बनाए, तो आप यहाँ आई बटन के ऊपर जाइए, टॉप पे जो आई बटन है, ये देखिए ये फॉर्म आया है आपका पूरा, 4 टाइप के क्वेश्चन यहाँ बच्चे को दे दिए। अब कुछ सेटिंग करना है, वो सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। सेटिंग के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ये देखिए सेंड के जस्ट बगल में सेटिंग बनी है, वहाँ से जाएंगे और ये देखिए फर्स्ट सेटिंग में क्या है, ये लिखा जर्नल, इसमें आप लिख रहे हैं पहला कलेक्ट ईमेल एड्रेस, क्या आप ईमेल एड्रेस कलेक्ट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते छोड़ दीजिए। आप यहाँ लिखिए लिमिट इन वन रिस्पॉन्स, तो यहाँ पे लिमिट इन वन रिस्पॉन्स जाएंगे, मतलब बच्चा एक ही बार इसको अटेम्प्ट कर सकता है, उसके बाद अगर वो करेगा तो उससे नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाला लिखा कि एडिट आफ्टर सबमिट, सबमिट के बाद वो क्या एडिट कर सकता है, नहीं, ऐसा हम नहीं चाहते। उसके बाद लिखा सी समरी चार्ट एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेस, क्या वो देख सकता है सब कुछ अपना जो उसने किया है, तो वो भी हम उसको नहीं बोल रहे हैं। और लास्ट में देखिए सेव का ऑप्शन आ रहा है, इसको सेव कर देंगे। फिर से हम सेटिंग पे जाएंगे, अब जो सेकंड है प्रेजेंटेशन उसको क्लिक करेंगे। प्रेजेंटेशन में देखिए आप शो प्रोसेस बार शफल क्वेश्चन, तो हम क्वेश्चन शफल कर देते हैं, यानी कि हर बच्चे को अलग अलग जगह पर वो क्वेश्चन मिलेगा, और लास्ट में जाके यहाँ पर सेव कर देंगे। ओके, फिर से हम एक बार और जाना पड़ेगा हमको सेटिंग में, ये सेटिंग में गए, इसके बाद ये क्यूज़ है, क्यूज़ पे गए, फिर से देखिए यहाँ पे लिखा मेक दिस अ क्यूज़, क्या इसे क्यूज़ बनाना चाहते हैं, यस हम इसको क्यूज़ बनाना चाहते हैं। इसके बाद वो कह रहे हैं इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, क्या सबमिशन के जस्ट बाद बच्चों को पता चल जाए कि उसका आंसर क्या है, नहीं हम ऐसा नहीं चाहते, तो आप नीचे वाले को क्लिक कर दीजिए, यानी कि हम जब चाहेंगे जब उसको बच्चे को पता चलेगा कि क्वेश्चन उसका सही है कि गलत। इसके बाद नीचे जो लिखा है मिस्ड क्वेश्चन, करेक्ट आंसर, ये सब कुछ आप इसको अनटिक कर दीजिए, क्योंकि आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्वेश्चन दे रहे हैं, तो इसको इससे कोई मतलब नहीं है, और यहाँ जाके आप सेव कर दीजिए।
इसका मतलब आपने क्वेश्चन बनाने की प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है। अब आप चाहते हैं कि टाइमर सेट किया जाए, मतलब पर्टिकुलर टाइम के बाद कोई भी बच्चा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट न कर पाए, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर जाइए, ये एक ऑप्शन दिख रहा है आपको टाइमर का, ये टाइमर के ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। ये आएगा कैसे, आपको इसके लिए एक अलग मैंने वीडियो बनाया है कि टाइमर कैसे सेट किया जाए, आप उसको देख लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम जाएंगे, इसको क्लिक किया, ये आ गया फॉर्म टाइमर या फॉर्म लिमिटर, इसको क्लिक करेंगे हम। इसके बाद यहाँ लिमिट पूछ रहा, सेट द लिमिट, यस सेट द लिमिट करना हमको। ये देखिए यहाँ पे एक पॉपअप आ गया है यहाँ पे फॉर्म टाइमर का, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे लिमिट टाइप पूछ रहा, किस टाइप की लिमिट चाहते हैं आप, तो इसको आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ रहा है डेट एंड टाइम और दूसरा नंबर ऑफ़ फॉर्म्स रिस्पॉन्सेज, तो हम नंबर ऑफ़ फॉर्म रिस्पॉन्सेज पहले कर चुके हैं, तो हम डेट एंड टाइम पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ सेलेक्ट डेट पर जाएंगे, किस डेट को आपको आपका पेपर लेना है, आप देख ही लेंगे कि कौन सी डेट को आपका पेपर है। सपोज़ करो मैं 11 को ले लेता हूँ, ये 11 मैं टाइम पे जाऊँगा, टाइम में एक तरफ आपको लिखा और दूसरी तरफ लिखा मिनट्स, तो आप जो भी आप टाइम डालना चाहे, मैंने 10 बजे का टाइम डाल दिया है 10 AM सुबह का, और मिनट में मैं डाल देता हूँ 15, तो 10:15 से को ये पेपर मेरा एंड हो जाएगा, मतलब 10:15 के बाद कोई भी बच्चा इस पेपर को नहीं दे पाएगा। अगर वो सबमिट भी करेगा तो उससे उसका रिस्पॉन्सेस काउंट नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे आप सेट कर दीजिए इसको सेव एंड इनेबल, तो हम इसको सेव एंड इनेबल कर देते हैं। अब हम बच्चों को इस क्वेश्चन पेपर को सेंड करना है, तो इसके लिए हम सेंड वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, ये सेंड वाले ऑप्शन पे गए, यहाँ पे हमसे वो पूछ रहा है कि किस तरह से आपको सेंड करना है, आप ईमेल के थ्रू करना चाहते हैं या और किसी थ्रू करना चाहते हैं, लेकिन हम तो इसके लिए एक लिंक प्रोवाइड करना चाहते हैं बच्चों को, तो आप सेकंड वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, ये वाले। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इतनी लंबी चौड़ी एक लिंक आ गई, हम पहले लिंक को छोटी कर लेते हैं। तो देखिए शॉर्ट एंड लिमिट लिखा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो लिमिट छोटी हो जाएगी, ये लिंक जो है वो छोटी हो गई। अब इसको हम कॉपी कर लेंगे, देखिए यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, ये कॉपी कर लिए, हो गया कॉपी। अब हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, ये हम बाहर आ गए। देखिए अब अपने को जाना है बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप पर, जो आपकी क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसके ऊपर जाके आप उस इस लिंक को पेस्ट कर देंगे। तो देखिए मैं जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ उस लिंक को पेस्ट करता हूँ, ये पेस्ट किया और यहाँ से कर देता हूँ सेंड। बच्चे के पास पहुँच चुकी है, बच्चा इसको ओपन करेगा, ओपन करने के बाद इस क्वेश्चन को वो सॉल्व करेगा, और सॉल्व करने के बाद किस तरह से वो आपको सेंड करेगा, सबमिट करेगा, और फिर आप उसे कैसे चेक करेंगे अगले वीडियो में हम ये जानेंगे। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा, जय हिंद।